जीएसटी पोर्टल में कई नए अपडेट्स आए हैं। इन अपडेट्स में फॉर्म जीएसटी R1 में जीएसटी विभाग ने अहम बदलाव किया है। इन बदलावों की जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक माहेश्वरी ने दी। जीएसटी पोर्टल में कई नए अपडेट्स आए हैं। इन अपडेट्स में फॉर्म जीएसटी R1 में जीएसटी विभाग ने अहम बदलाव किया है। इन बदलावों की जानकारी वरिष्ठ कर अधिवक्ता दीपक माहेश्वरी ने दी। फॉर्म जीएसटी R1 में जिस किसी भी टैक्स पेयर का अगर किसी भी वजह से पोर्टल पर कोई बिल अपलोड होने से रह जाता है तो वह अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी इस बिल को विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। सी न्यूज के माध्यम से जो नए नए जीएसटी में अभी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अपडेट है, अपडेट ये है, जैसे कि जो लोग टैक्स पेयर हैं और जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, जो सेल रिटर्न फाइल होता था 11 तारीख इसकी लास्ट डेट होती थी हर महीने, और कुछ व्यापारी जो होते थे उसमें रिटर्न फाइल जो बिल्स होते थे उसमें बिल डालना भूल जाते थे कुछ, और कुछ बिल उनसे रह जाते थे डालने के लिए। अब जीएसटी ने पोर्टल पे एक नया अपडेट आ गया जो जीएसटीआर फॉर्म 1A है, उसके थ्रू आप जितने भी आपके बिल रह गए हैं वो आप उसके थ्रू डाल सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के, बिना कुछ भी, और जो लास्ट डेट होती है 11 तारीख उसके बाद। और ये आपको जो परचेज रिटर्न होता है GSTR 3 की 20 तारीख उससे पहले आपको डालने हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपका जिसको भी ITC जो भी जिस पे भी आप बिल काटेंगे, जो भी ITC क्लेम करेगा वो उससे नेक्स्ट मंथ क्लेम करेगा, लेकिन आपकी लायबिलिटी इसी महीने सेटअप हो जाएगी जीएसटी पोर्टल। जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी पोर्टल में किए गए नए अपडेट्स को लेकर व्यापारियों को सराहा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।